यह चीजें करो, आपका पार्टनर आपको हमेशा लाइक करेगा। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई और अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। कभी सारे लोग आते हैं, बोलते कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो आते रहते हैं, या फिर शादी के बाद में लोग आते रहते हैं। उनका कहना है कि जो प्यार, जो लाइकिंग पहले कुछ दिनों में था वो भी नहीं रहा। मतलब बॉयफ्रेंड है, नया नया बॉयफ्रेंड बना हुआ है, या गर्लफ्रेंड है नई नई बनी हुई है, उस समय तो कुछ भी अच्छा लगने लगता है, और फिर धीरे 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 जैसे दिन जाते हैं तो वही बॉयफ्रेंड या वही गर्लफ्रेंड बोरिंग लगना शुरू हो जाती है या हो जाता है। वैसे पति पत्नी का है कि शादी का पहला साल जो रहता है, तो पहले शादी में एकदम बिल्कुल फूल खिले गुलशन गुलशन और एकदम पिंक लव रहता है, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे फिर झंझट झगड़े तू तू मैं चालू हो जाती है, और फिर वो पहला साल का जो प्यार है वो नहीं रहता है। तब ये जब करना है तो हो सकता है कि वाइफ हस्बैंड से बोर हो गई, या हस्बैंड वाइफ से बोर हो गया, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बोर हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बोर हो गई, तो उसके लिए क्या करें। ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं, वैसे कोई भी नई चीजें उसमें आते रहते हैं, कोई भी नहीं। अभी आप देखो ना, मोबाइल ले लो, आप एकदम अच्छा ब्रांड न्यू मोबाइल लिया, महंगा फोन लिया, और महंगा फोन लिया तो बहुत अच्छा लगता है। दो दिन हम सबको बताते हैं ये फीचर है, वो फीचर है, इतने कैमरा, इतने सिम कार्ड, ऐसा फलाना ढमाका ढिकरा चालू रहता है, और फिर कुछ दिन के बाद में वो मोबाइल बोर हो जाते हैं अपन उसके साथ में, फिर अपन बताना भी छोड़ देते हैं कि कुछ नया मोबाइल है करके। देखो, आपको यदि वो चीज नहीं रखनी है तो फिर आपको रिफ्रेश का बटन दबाना पड़ेगा। देखो ना, मोबाइल कंपनियां क्या करती है, मोबाइल कंपनियां क्या करती है कि नया नया मॉडल निकालते रहती है, नए मॉडल में एक या दो चीज कुछ तो भी नहीं डाल देती है थोड़ी सी, और उसको नया नाम देती है, S6 हो गया, S5 हो गया, जो भी ऐसे S7 है, S8 है, और नया नाम वैसे गाड़ी का है, कार का है, नए नए मॉडल्स आते रहते, थोड़ा सा बदल कर दिया, अलग अलग मॉडल्स है, और उसको नया नाम नया रूप दे देते हैं, उसको मार्केट कर लेते हैं और वो बेचते रहते हैं। ये जो माइंड का गेम है, इसमें यदि प्यार आपको हरदम के लिए रखने का है तो आपको कुछ ना कुछ नया रोज करना पड़ेगा। देखो, आपकी पर्सनैलिटी में कुछ नई चीज लाओ, आपके हेयर स्टाइल में कुछ चीज लाओ, कपड़े पहनने का स्टाइल है उसमें कुछ नई चीजें लाओ, अपने पार्टनर को सरप्राइज दे दो, आर्ग्यूमेंट टाल दो, है ना, बार बार आर्ग्यूमेंट नहीं करने का है, आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा पीछे हट जाना, तो फिर क्या होता है कि बार बार आर्ग्यूमेंट हो रहे तो थोड़ा पीछे हट गए, थोड़ा सा सरप्राइज दे दिया, थोड़ा कुछ नई बात कर लिया तो होता है, कोई नॉलेजेबल कोई बातें करते हैं, मतलब ऐसा कुछ तो भी नया लाते हैं। इवन हम सेक्स में भी ऐसा बोलते हैं कि एक ही पार्टनर के साथ में सेक्स करते करते बोर हो जाता है आदमी, तो उसमें भी क्या है, उसमें भी नए नए आसन रहते हैं, तो नए नए आसन सेक्स के हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि भाई 365 डेज 365 दिन है साल में, तो 365 दिन के 365 आसन है कि जो आप कर सकते हो, और हर बार सेक्स में भी नया नया आप नयापन ला सकते हो। तो जैसे ही कार का है, जैसे ही मोबाइल का है, वैसे ही पति पत्नी की रिलेशनशिप का है, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की रिलेशनशिप का है, उसमें कुछ तो भी नया लाओ, नई क्रिएटिविटी, मतलब कुछ तो भी नई नई चीज लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, कि भाई हमेशा जब नया लाएंगे, हो सकता है कि आपका ड्राइंग रूम, ड्रेसिंग रूम, आपका कपड़े पहनने का स्टाइल वो बदल रहे हैं, आपका बेडरूम बदल रहे हैं, कपड़े पहनने का जो स्टाइल है वो लाया, नई चीज, नया फैशन, नया हेयर स्टाइल, ऐसे कुछ तो भी आप करते हो, तो उसमें पार्टनर को हरदम आपके बीच में कुछ तो भी, मतलब आपके इसमें कुछ तो भी उसको नयापन दिखेगा। आप यदि अच्छे लिसनर बन जाते हो, सुनने वाला, तभी सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है कि वह सुन लेता है, तो आपको कुछ ऐसा ना खुद का सुनाना नहीं कि इसको सुनना है। सरप्राइज गिफ्ट्स दो, कुछ तो भी सरप्राइज चीजें लाओ, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं तो कुछ तो भी नयापन आता है, तो ऐसा कुछ तो भी आप नया करते हो हरदम, तो आपका पार्टनर आपसे कभी दूर जाएगा नहीं, उसको बोर लगेगा नहीं, बोरिंग नहीं होगा, और हरदम एक दूसरे को लाइक करते जाएंगे। तो ये वीडियो आप सबको शेयर करो, क्योंकि यह सभी को प्रॉब्लम है, कुछ दिन के बाद में नई चीज पुरानी हो जाती है, और उसको टालने के लिए नयापन लाना रिश्तों में, बोलो पति पत्नी के रिश्तों में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिश्तों में, कोई भी इसमें आपको नयापन लाना ही पड़े। घर में भी आप बोर हो जाते हो तो घर में भी आप नयापन ला सकते हो, नया सोफा ला सकते हो, नई चेयर्स ला सकते हो, स्टाइल बदल सकते हो घर में अलग अलग तरह की, तो वो करते हैं तो लोगों का बोर्डम निकल जाएगा। तो सभी को शेयर करो, अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।